ये देखो, मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और आज मैंने अपना नया सूट पहना है। और आज जुम्मे का भी दिन था तो मैंने सोचा नया सूट निकाल कर आज पहन लेती हूँ। अभी बस नमाज अदा की है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से है। आज है जुम्मा का दिन, आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक। अभी नमाज पढ़ी और नमाज में ढेर सारी सबके लिए दुआएं की हैं, आप सबके लिए भी और साथ साथ फलस्तीन के लिए भी। फलस्तीन के लिए मैं बीच में मैंने गैप लिया था ना, तो उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो मैंने वीडियोस देखी है ना, सच में कोई इंसान नहीं देख सकता। और हम समझ सकते हैं कि उन पर फिर किस मतलब वो एक तकलीफ में है, जो हम यहाँ पे बैठ के वीडियोस नहीं देख सकते और उन पे वो सब हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ जब ये जुल्म हो रहा है और दिल फटता है ये सब कुछ देख के। और यकीन करें, मैंने एक आधी वीडियोस, वो भी मैंने पूरी नहीं, सब थोड़ा सा मैंने देखा है, मुसलमानों पे ये जुल्म हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ से बैठ के सिर्फ दुआएँ कर सकते हैं। ढेर सारी दुआएँ कर रहे हैं। कोई भी इंसान है, सबसे पहले तो बात इंसानियत की आती है कि अगर इंसान कोई भी है, मतलब कैसे किसी पर कोई जुल्म कर सकता है। कुछ मैंने शुरू में देखा था और नाकाबले बर्दाश्त है। मैं सच में अभी भी वीडियोस सामने से आती है ना, मैं हटा देती हूँ, मेरा दिल नहीं बर्दाश्त करता, दिल ऐसा फटता है। कुछ इतना सा एक खून का कतरा भी हम अब हमारे घर पर सब पैक है ना, जैसे खुशी थी मैं उसका एक खून का कतरा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था देखना, और वहाँ इंसानों पे ये सब हो रहा है। उसके लिए मुझे ढेर सारे कमेंट आए कि आपने आवाज़ नहीं उठाई, आपने बोला नहीं है। तो हम दिल में हैं, हम दुआएं मांग रहे हैं उनके लिए, और दुआओं के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। ये सारी बातें थी। और इसके अलावा आज जैसे कि फ्राइडे का दिन है, आज बच्चे स्कूल से जल्दी आ गए, फिर उसके बाद ट्यूशन भी आज जल्दी गए, तो अच्छा खासा मेरे पास टाइम था। तो मैंने ये सोचा कि आज जो है ना, बच्चों को हम कहीं बाहर लेकर जाते हैं, जैसे सैटरडे संडे आ जाएगा कल, फिर उसमें हमारा कोई काम होगा तो फिर बच्चे बीच में रोना शुरू हो जाते हैं कि नहीं आप जा रहे हो तो हमें कौन ले जाएगा घुमाने फिराने। तो आज के दिन मैंने प्लान कर लिया था कि जैसे ट्यूशन से जल्दी वापस आ जाएंगे तो हम इनको बाहर ले चलेंगे। तो बस अभी बीच में जो मुझे टाइम मिला, सारे काम वाम समेटे, अभी हम रेडी हो गए, अम्मी भी तैयार बैठी हैं। जैसे बच्चे वापस आएंगे हम बाहर, आज मैं इनको जू लेकर जाने वाली हूँ। और इसके साथ साथ आप सबके ना ढेर सारे मुझे शादी से रिलेटेड मैसेज, कमेंट, इतना कुछ इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे, आप शादी पे मत जाएं, कोई कहता है शादी पे जाओ, शादी पे ऐसे ड्रेसिंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मुझे पता है आप सबके ढेर सारे क्वेश्चन हैं शादी से रिलेटेड। अभी फिलहाल लेट हो रहा है, मैं निकलूँ देखो, बाकी फिलहाल जब भी बातें वापस आकर बताऊँगी। अभी चलते हैं और बातें करने बैठ गई ना तो टाइम सारा इधर निकल जाना है। और हाँ, ये वाला रूम तो आप देखो, और देखो इतना टाइम से आपने ये वाला हमारा रूम नहीं देखा। ये मेरा रूम जो है ना था मेरे ससुर के पास, मेरे अब्बू के पास था, जितना टाइम वो यहाँ पर रहे हैं तो हमने उनको ये सेपरेट रूम दिया होता। यहाँ पे देखो इतनी बड़ी सी, रूम के सामने से बैल्कनी भी है, तो ये रूम का डोर भी ऐसा खुला रहता था, यहाँ से भी मैं अब्बू को खोल के देती थी, तो इस वजह से इतना टाइम हमारे साथ लगा के गए हैं, वरना सिटी में कभी भी नहीं रहते। यहाँ पर थोड़ा माहौल ऐसा खुला था ना, पहले कराची में आते थे तो इतना वक्त नहीं रहते थे, दो चार दिन, हफ्ता, बस बीच में एक रमज़ान में कुछ टाइम हमारे साथ गुजारा था, तो इस वजह से मैं इस रूम में नहीं आती थी, क्योंकि अब्बू इस रूम में अक्सर सो रहे होते थे और फिर अच्छा नहीं लगता, उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे। और बाकी ये बैग देखो, ये बैग पहले यहाँ पर नहीं थे, ये कार्टन पड़ा है कि ये वाला बैग है, तो ये बैग तब से, और ये बैग इस रूम में मैंने तब से रखे हैं जब बीच में आए थे, बाकी बर्थडे थी हमारे घर पर आए थे मेहमान, तो उस वजह से मैंने दूसरा रूम खाली किया था, उसमें थे ये सारे बैग, तैबा के रूम में ये सारे बैग थे, तो इस रूम में और कोई था भी नहीं, सिर्फ अबू यहाँ बेड पर होते थे, तो हमने फिर यहाँ बैग साइड पर लगा दिए। और इस रूम में मैं नहीं आया करती थी, तो आयत ने देखो क्या किया है, ये देखो ये हाल कर दिया यहाँ पे इसका, और मुझे इस चीज का इतना दुख हुआ है। अबू की वजह से मैं यहाँ आती नहीं थी, और बच्चे अबू के साथ बहुत खेलने के लिए यहाँ भाग आते थे, और कुछ भी करते रहते हैं ना, तो अबू किसी को भी मना नहीं करते कि ये क्या हो रहा है या फिर कुछ खराब कर रहे हैं बच्चे, तो वो नहीं, वो कहते हैं खेलने दो। कुशन है, अब वॉश करना पड़ेगा, यही हो सकता है, वॉश करूंगी किसी तरीके से, इसको निकालूंगी। तो चलो अभी चलते हैं नीचे। ये सूट जो है ना, मैंने टू पीस लिया था, इसके साथ की शलवार मैंने मैचिंग की है, ये वाइट ना शीशों वाली मेरे पास घर पे न्यू पड़ी थी, तो देखो मैच हो गई ना इसके साथ। अम्मी अम्मी नमाज पढ़ रही है, नमाज पढ़ ली। अम्मी भी देखो यहाँ पर तैयार होकर बैठी हुई है। चले अम्मी चिड़ियाघर देखने, चिड़ियाघर में हमें सारे जानवर होंगे। चिड़ियाघर में उधर नहीं जाना, वो कौन सा? शक्करपड़ी। शक्करपड़ी नहीं अम्मी, वो फिर दिन के टाइम निकलेंगे ना, अभी तो टाइम ज्यादा होगा। अम्मी की ना इस्लामाबाद में सबसे फेवरेट जगह है शक्करपड़िया, पड़िया बोलते हैं, शक्करपड़िया। वो मैंने अभी तक नहीं देखा, अम्मी ने एक बार देखा है, तो तब से बोलती है, बहुत अरसा पहले देखा था।
तो इंशाल्लाह मम्मी को ले चलेंगे, निकल जाएंगे। मैंने निकाली है आयत के लिए ना ये वाली फ्रॉक, और ये डबल लेयर में है, अंदर से देखो ये ऐसा वेलवेट में है, और स्लीव्स भी देखो इसकी फुल है, बाहर ठंड के लिए काफी अच्छा है। तो इसके साथ मैचिंग का पजामा निकालते हैं, या फिर व्हाइट ये वाला मैच हो रहा है। हाँ व्हाइट इसका पजामा आयत का, और एक ये वाला भी है, और ये बिल्कुल पतला है, ये किसी ट्राउजर के नीचे ही पहन सकती है, और ये मोटा वाला है, मोटा सा है तो ये सही रहेगा, ये बिल्कुल पतला है। ट्यूशन में क्या पढ़ा था? कैटी। आज आयत को होमवर्क नहीं मिला था इसलिए टीचर ने सिर्फ इसे एक पेज कराया। एक पेज करके आइए मम्मा, मैंने म्यू बॉक्स पढ़ा दिया थोड़ा। नहीं, दुआ के पास है म्यू बॉक्स। दुआ के पास क्या है इसका? ये न्यू बुक है। अच्छा वो बुक्स है रीडिंग वाली। हमारी आयत हो गई रेडी, और ये हो गई तैबा की पैंट, और इसके साथ इस कलर की शर्ट मैच करना है। आसानी से कलर सारे यहाँ पर ऊपर से दिख भी रहे हैं, नजर भी आ रहे हैं। एक ये पिंक पे मैचिंग में जा रही है ये वाली, और एक ये वाली भी है, इसको निकालते हैं। तैबा ये वाली सही, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये सही है इसको यही पसंद आ गई, बहुत अच्छी लगती है मुझे। फौरन से कैसे टपकी इस शर्ट पे? यहाँ देखो दोनों बच्चों के मैंने कपड़े भी निकाल लिए, और अलमारी भी खराब नहीं हुई, कहीं से भी नहीं बिखरी, वापस है वैसे हमारे कपड़े पड़े हुए हैं। मैंने पैंट निकाली, पैंट वैसी की वैसी है, शर्ट वैसी की वैसी है, और यहाँ से मैंने पजामे निकाले, वो भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। अंदर करके रखते हैं, और ये देखो ये मैं देख रही थी, ये आयत की पिछले साल की सॉक्स है, और सॉक्स अभी मुझे लगता है ये छोटी हो गई है, शायद नहीं आएंगी। और ये वाली ली है मैंने इस साल, ये न्यू है ये देखो, और इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा साइज इसमें बड़ा है ये वाला। बाहर तो नहीं भागी आपके पापा के साथ? कहाँ थी आप? अच्छा इसको जो है ना जू जाने की इतनी जल्दी है, खुद ही अपना जूता निकाल के पहना है आज तो। और सॉक्स कौन पहनेगा? अंदर हो नोबिता, भाग जाएगा, सॉक्स पहनो आयत। नोबिता को वैसे जू ले जाए ना, नोबिता बहुत खुश होगा वहाँ। नोबिता क्या शेर आ जाएगा? आओ जल्दी से बच्चों, जल्दी से। तैयबा ये डोर खोलो, जाओ जाओ जाओ, जितना भी जल्दी कर लू, जितना भी जल्दी कोशिश करूँ ना, फिर भी इन बच्चों के साथ पता नहीं क्यों मुझसे लेट होता है। पकड़ो एकदम, इसने ऐसी स्पीड मारी है बाहर। और ये शाम का टाइम ऐसा होता है कि या तो सूरज खड़ा होता है या एकदम से गायब हो जाता है। हाँ सर्दियों के दिन ऐसे भी होते हैं, बस खाना खाओ दिन गुजर जाता है, हाँ। शाम का खाना शुरू हो जाता है। ये देखो ये सामने रहा, ये हमारे माओ की तरह है, जैसे हमारा माओ पालतू बिल्ला है। ज़ूम बंद है, वो एलिफेंट हो गया, रैबिट सारे वो गाँव गए हुए घूमने पे आया, तो वो छुट्टियों पे गए एलिफेंट। उसके ना छुट्टी होती है, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, तो शाम को हम निकल जाएंगे। कौन सी चीज है जो के चलती है? गाड़ी। अम्मा गाड़ी के तो टायर होते हैं। अम्मा पता है कौन चलती है? मुर्गी चलती है। अब मेरी बारी है, एक और एक कितना होते हैं? एक और एक यही पढ़ा लिखा है आपने, 11 होते हैं। और बकरी 10 साल के बाद क्या बनती है? बड़ी बकरी, 11 बड़ी बकरी बनती है, माँ बनती है। 11 साल के बाद सही बताओ, 11 साल बाद माँ बनती होगी या नानी बनती है? नानी, नानी बन, नानी दादी बन जाती है। हाँ नानी दादी बन जाती है। 10 साल के बाद जो है ना 11 साल की बनती है। आयत आप भी कोई पहेली पूछ लो, एक देसी देसी पहेली पूछो। पूछो, वो बाहर से आई दो छोकरियाँ, बाहर से आई दो छोकरियाँ, चिट्टे फिराक और साबित टोपियाँ। बाहर से दो लड़कियाँ आती है, और सब जो ग्रीन कलर की टोपियाँ होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं पता आपको? मुझे पता है अम्मा। क्या हुआ बताओ? फूल। क्या फूल? मूलियाँ। मूलियाँ बाहर से खा रहा था, जमीन से आती है। आयत आपका जंगल वर्ड जू आ गया, जू हम पहुंच चुके हैं, और ये बच्चों का इंतजाम हो रहा है। बस अम्मी काफी है ना इतने, ये पर्स में रख लें। पीछे आसमान देखो कितना प्यारा कलर है ना, कभी कभी आसमान ऐसे डार्क ब्लू कलर का दिखता है, बहुत प्यारा सा। ये रहा अयूब नेशनल पार्क जू, इसकी लेग्स देखो कितनी बड़ी है,
जिराफ की। मुझे भी ऐसे। चलो भागो भागो भागो, टिकट्स मिल गई। कितने की मिली है टिकट? 70 की एक। फिर तो सस्ता है ये, जो आइलैंड में तो 1,000 लिया था। कहाँ है लायन? लायन है इसमें। लायन तो दिन की रोशनी में हम दिखाते। आयत को दिखो, आयत लायन देखो, लायन ये इतने बड़े बालों वाला। वो देखो हो गया, वो अंदर चला गया। तो चलो अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है। मंकी बैठा है, ये हो गया एक मंकी, आ गया मंकी। आये हाँ, शैतानी करता है, कुछ और भी देखना है इसको। आये चलो देखो, चलो देखो जेब्रा को। जेब्रा टच करना, जेब्रा को टच करना, टच करना करो, टच करो। बहुत अच्छा है, बैठना है इसके ऊपर, इस पर बैठना है। अब तो डर रही है मैं। इनका कलर जेब्रा कितना प्यारा है, व्हाइट ब्लैक। किसी ने हाथ से बनाया हुआ, ऐसे लगता है किसी ने हाथ से पेंट किया हुआ ऐसे। असली नहीं है, असली नहीं है, टच करो इसको, असली नहीं है। गुड गर्ल, जाओ। आपकी पिक्चर बनाई इसके साथ, टाइगर के साथ। हाँ कहती पिक्चर बनाओ, इधर खड़ी हो जाओ, यहाँ थोड़ा आगे हो जाओ। ताइबा आप भी चलो पिक्चर बनाओ। ये ना पास आ गई, इसके पंजे में भी हाथ लगो, एक तो टूट गया इसका, नील लगते हैं इसके दांत भी लगते हैं। हाँ सारे एनिमल्स हैं, बस हम आपको दिखा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अंधेरा हो गया। दिन की रोशनी में आते ना तो आप सब भी देख लेते। चलो चलो आ जाओ। ओ कहाँ गया बारहसिंगा, ये देखो इसके सिंग, इसी की तो है वो जो हमारे घर पे वो है स्टैचू। देखे हमने एक लायन, तीन देखे आपने लायन, लेकिन पकड़ पकड़ के ऐसे कर रहे टाइगर। अमित आयत टाइगर कैसे कर रहे, वो कर रहे। गाड़ी घुमा के हम दोबारा आ गए हैं यहाँ इस साइड पर, ज्वेलैंड पार्क में साइड पे। बच्चों को इतना मजा नहीं आया, बस थोड़ी देर एनिमल देखे और अब यहाँ पे आ गए। खुश हो? देखो रो रो के आंखें कैसे कर लिए हम टिकट। और ये देखो ये है 1000 की, और इसमें अनलिमिटेड राइड्स ले सकते हो जित नॉन स्टॉप। मैं नहीं बैठूंगी, मेरा मत लेना। बैठो 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 आयत। आयत गाड़ी खुद चला रही है। बाय 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 बाय, हाय हाय। ये चलो अंदर बैठो अंदर। तो चलो अभी ये तीसरे झूले पे बैठ रही हैं। आप जा रहे हैं इंडोर तैबा और मुस्तफा के लिए। बच्चे जो है ना यहाँ पर अपना एंजॉय करेंगे, और मेरा मोबाइल फोन बंद होने वाला है, कभी भी बंद हो जाएगा तो गाड़ी में जाकर इसको फिर मैं चार्ज पे लगाऊंगी। और देखो अंदर से ये कुछ ऐसा है, ऊपर से स्लाइड लेकर यहाँ नीचे आएंगे, और नीचे सारी ये बॉल से भरा हुआ है। फिलहाल बच्चे वहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ये देखो ऊपर सारा ऐसा गेम है। मैं और अम्मी नहीं जा रहे, मैं और अम्मी यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि पापा साथ गए हैं बच्चों के। आए है ना, बहुत ज्यादा दिल कर रहा था चाय पीने का। वैसे बाहर कहीं पे भी जाओ ना बहुत दिल करता है चाय पीने का, और मुझे जो है ना ठंड लग रही थी, मैंने ना अबाया भी नहीं निकाला, अबाया के साथ आके मैं किचन में खड़ी हो गई। डेली मौसम भी ऐसा चेंज होता जा रहा है, हर दिन सर्दी जो है ना बढ़ती जा रही है, सर्दी बढ़ गई चाय चढ़ गई। आपके ऊपर ये मेहरून कलर का सूट बहुत प्यारा लग रहा है, आप सभी बताना। अम्मा के ऊपर हर कलर अच्छा लगता है। तो चलो अभी हम चलते हैं वॉक पे, अपना वॉक करके आते हैं। दो चार दिन मैंने वॉक नहीं की, और देखो मेरा वजन दोबारा से बढ़ गया। एक तो मैं मीठा खा रही हूँ आजकल। तो चलो अभी बात करते हैं शादी की। तो शादी से रिलेटेड मुझे ढेर सारे कमेंट आए, जो कि मेरे भाई की बेटी की शादी हो रही है, कि आप मत जाओ, प्रमोट मत करो, ये सब कुछ है कि आप सब मुझे ढेर सारा प्यार देते हो, अपना फुल सपोर्ट देते हो, हर एक जगह पे जाकर मेरे लिए लड़ते हो, आप
क्योंकि मैंने जब ये चैनल शुरू किया था उस दिन से आप मेरे साथ हो, पहले दिन से मेरे साथ हो और अब तक जुड़े हुए हो, तो आप बेहतर समझते हो मेरे लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सब बातें करते हो, तो मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ जो मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे, शुरू से किया है और अभी तक कर रहे हो, तो आपका दिल से थैंक यू सो मच। और अभी कुछ दिन पहले ही फारूक भाई की वीडियो आई है जिसके लिए मुझे ढेर सारे कमेंट आए कि आपके आप अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लो, आपके हस्बैंड को आपके भाई ने ऐसा ऐसा बोला। एक साइड पे मेरे हस्बैंड है, एक साइड पे मेरे भाई हैं, भाई मुझसे बड़े हैं, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, उनको समझा सकती हूँ, उनको बता सकती हूँ कि बात ऐसी नहीं थी, आपको गलत फहमी हुई, आपको किसी ने गलत बताया है। फैमिली में सबने चैनल तो बना लिए लेकिन किसी को इतना अंदाजा एक आइडिया नहीं है कि चलाना कैसे है, हमें अपने अल्फाज कैसे रखने हैं, हमें बोलना कैसे है। कि आपके दिमाग में एक बात आई, दिल में आई, तो फौरन से कैमरा खोल के वो बातें डाल दी। तो एक चलो टाइम होता है कि हाँ चलो दो चार महीने हुए, पांच छह महीने हुए, नए नए चैनल सीख रहे हैं, लेकिन आपको भी सबको एक टाइम हो गया, साल से सबको ऊपर ही हो गया, दो दो साल होने वाले हैं सबके चैनल को। हर किसी की सुनी सुनाई पे फौरन रिएक्ट नहीं करते, और मैंने हमेशा से ये बात बोली है कि मेरा एक टाइम था जहां पर मेरी इज्जत की एक धज्जियां उड़ाई जा रही थी और कोई भी मेरे सपोर्ट में तब नहीं था, और जो चंद लोग थे उस टाइम पर मैं उनको अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट करूंगी जब तक मैं हूं, जिसमें से जहद भाई थे, मैं हमेशा जहद भाई का नाम लेती हूँ। ऐसे ऐसे रिश्ते जो अपने भाइयों के, बहन भाइयों के सामने वो बोले कि आप सितारा को गलत मत बोलो और उसके साथ इतना तमाशा मत करो, वो भी इंसान है। जो इज्जत होती है उसकी भी कोई वैल्यू होती है, क्योंकि मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, मैं इस चीज को फील करती हूँ कि जब मेरी इज्जत का तमाशा बनाया गया था तो मैं ऐसे जैसे ऐसे आंखें खुल के ना चारों तरफ ऐसे देख रही थी कि कोई मुझे कपड़ा देगा जिसको मैं ऐसे ओढ़ के अपने आप को कवर कर लूंगी, मैं ऐसे हालात में थी, तो हर एक की तरफ मैं आंखें खोल के ऐसे देख रही थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उस टाइम पे फारूक भाई मेरे साथ खड़े थे और फारूक भाई मेरे पास आए थे। छोटी मोटी बातें पता नहीं इतनी सी बात होती, इतनी सी बातों से कहां से कहां बातें चली जाती हैं, और स्क्रीन पे ऐसे दिखता है कि मामला बहुत बिगड़ चुका है, शायद आपस में बहन भाई लड़ पड़े, ये बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज चैनल भी नहीं होता कि हम चैनल पर आ गए हैं, किसी का बड़ा है तो किसी का छोटा है, अब हमारा बड़ा है तो छोटे बड़े चैनल के चक्कर में हम अपने रिश्तों को खत्म कर बैठे। अब्बू इस दुनिया में नहीं है और उनकी जगह पर कोई है तो वो मेरे भाई हैं। मैं समझती हूँ कि अगर आपको कोई कभी कुछ बोल दे, कोई कुछ कर दे, तो आप ये मत जताया करो कि मैंने उसके साथ ये भला किया था, ये भला किया था, तो बदले में मुझे वो भला चाहिए। आप वो भला इसलिए नहीं कर रहे, आप उनसे वो मत एक्सपेक्ट करो कि अगर हम भला करें तो हमें बदले में चाहिए। भले की जगह तकलीफ मिलती है, तो पता है वो एक जो तकलीफ होती है ना, सबसे ज्यादा आपको अल्लाह के करीब करने वाली वही तकलीफ होती है, जहां आपने भला किया उस भले के बदले आप भला तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ अगर उस भले की जगह पर आपको कोई तकलीफ देता है तो वो आपको अल्लाह के करीब करती है। मुझे कहीं से कोई तकलीफ मिलती है तो मैं खुश हूँ उसमें, क्योंकि मैं उस तकलीफ में रोती हूँ, अल्लाह से बातें करती हूँ। खास तौर पर स्पेशली वो वाला मोमेंट जब हम एक तकलीफ में होते हैं, जब दिल बहुत दुख रहा होता है और जो एक कनेक्शन हमारा अल्लाह के साथ बन रहा होता है बातें करने का, कि अल्लाह ये टाइम तो गुजर जाना है, किसी के साथ बुरा करके नहीं जाना, जाना है तो अच्छा करके ही जाना है। बाकी मैं कोई ऐसा भी नहीं कर रही कि मैं अपने बच्चों का हर एक चीज का खाना पीना सब कुछ छोड़ के मैं दूसरों के बच्चों को देख रही हूँ और किसी और का ज्यादा वो कर रही हूँ, अपने बच्चों का नहीं कर रही। अगर हम किसी और के बच्चों का करेंगे तो अल्लाह हमारे बच्चों का अच्छा करेगा। बल्कि बात यहाँ पर हो रही है इज्जत की, कि इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। आपसे कोई आपका बड़ा है, उसकी कोई रिस्पेक्ट होती है, तो मेरे भाई मुझसे बड़े हैं तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगी। और रही बात ढेर सारे कमेंट के, वो पैसे लेते हैं ये सब करते, तो वो मुझसे पैसे नहीं लेते, मैं दिल से अपनी खुशी से उनके बच्चों के लिए जो करती हूँ करती हूँ, वो मैंने यहाँ पर आकर कभी भी नहीं बताया। और अगर आप दिल से करते हो, अपनी खुशी से करते हो, तो वो जरूरी नहीं है कि आप एक एक को बताओ कि हमने ये किया वो किया है ना, आपके लिए ये करते हैं, वो चोरी करते हैं, ये सब देखो बड़े भाई हैं मेरे, अब्बू की जगह पर हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई भी ऐसा मत सोचे। देखो आज मेरे बच्चे हैं ना, मैं ये सब फील करती हूँ
कि अगर मेरे बच्चों में से तैबा आयत के हालात ज्यादा बेटर है मुस्तफ़ा से और कभी वो अपने भाई की हेल्प कर देंगी तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन फिर भी टाइम आता है, हर इंसान पर आता है, कभी भी आ जाता है, आ सकता है। और हम खुद उस टाइम से गुजरे हैं जहां पर मुझे 100 200 की भी जरूरत होती थी तो कोई नहीं देता था। तो मुझे वो टाइम याद आता है, अगर कोई मांगता है तो एक मजबूरी में कोई मांगता है, किसी को जरूरत होती है। और मेरे भाई ने नहीं मांगा, मैंने अपनी खुशी से, अपने दिल से सिर्फ भाई के बच्चों के लिए, उनके लिए जितना मुझसे हो सकता है। ये नहीं है कि मैं उनके लिए कोई लाखों करोड़ों रुपए भेज रही हूँ, थोड़ा बहुत जितना होता है कभी कभार दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरे घर आते थे तो पैसे लेते थे, इस वजह से आते थे। ऐसी गलत फहमी है और ऐसी गलत बातें नहीं फैलाओ। फिर भी भाई है ना, कि भाई अभी लोग क्या बातें कर रहे हैं कि भाई आता था, पैसे लेता था, पैसे खाता था, पैसे मांगता था, इस वजह से इसके घर आता था। तो पैसे खाने लेने के लिए कोई और भी तो आ सकता था, वो मेरे मुश्किल टाइम पे जो मेरा एक टाइम था। और वो जो मेरा टाइम था मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। और उस टाइम पे मेरे भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया था। टाइम पे ऐसे हालात थे, ऐसी मैं हालत में पहुंच चुकी थी कि जैसे एक जिंदा लाश होती है और पता नहीं कैसे मैं जिंदा रही हूँ उस दौरान। सबके ये मैसेज थे कि मैं प्रमोट कर रही हूँ, प्रमोट नहीं है, मैं सबकी खुशियों में शरीक होती हूँ और ये तो मेरे भाई की अपनी बेटी है। तो ऐसा हो कि मैं अपने लिए कुछ बना ना रही हूँ और मैं सब कुछ जो है ना पीछे दे रही हूँ अपने लिए। देखो मैं बना रही हूँ, मैंने घर लिया, प्लॉट लिया, उसके बाद गाड़ी ली, उसके बाद बच्चों की अच्छी स्कूलिंग करा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ करा रही हूँ। और उसके साथ साथ अगर मैं हेल्प कर देती हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझसे कोई भी ज़बरदस्ती आकर मेरे हाथ से पैसे नहीं छीनता, अपना एक झूठा प्यार दिखा के, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी बातों से ना बातें कई बढ़ जाती हैं और फिर वीडियोज़ पे वीडियोज़ आना शुरू हो जाती है। मैं सब समझती हूँ कौन किस हद तक है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि हमेशा इंसान की बुराई नहीं देखनी चाहिए, उनमें अच्छाई ढूंढनी चाहिए। बातें ढूंढते रहोगे, इसकी उसका ये गिला, उसकी ये बुराई, वो बुराई, तो आप नहीं जी सकते इस दुनिया में, फिर बहुत मुश्किल है आपका जीना। आपको लाइफ चलानी है, आपको गुजारनी है, तो आपको उन गलतियों को साइड पे करके उनका अच्छाई याद करना है कि अच्छा टाइम कैसा था। और इस हिसाब से तो पूरी दुनिया फिर गलत है, फिर हम ही सही है, क्योंकि हम ठीक है। हमें हर चीज़ हम ही नहीं होते। अगर अल्लाह ने दिया है मुझे, ठीक है, मेरा एक बड़ा चैनल है, अल्लाह ने अगर मुझे दिया है, पता है मुझे इस वजह से दे रहा हूँ कि मैं पता नहीं किस किस, मुझे नहीं बोलना ये कि मैं हर किसी की हेल्प करती हूँ, तो मुझे अल्लाह शायद मुझे इस वजह से दे रहा हो कि किसी के घर चल रहा हो, किसी का चैनल चल रहा हो, किसी का क्या चल रहा हो। मैं यहाँ पर अपने भाई की बात नहीं कर रही, मैं ऐसे बोल रही हूँ, पता नहीं किसकी वजह से चल रहा हूँ, बच्चों की वजह से चल रहा है मेरी, ठीक है, मेरी मेहनत है, बच्चों की वजह से, पता नहीं और भी अल्लाह पाक किस चीज में इतना खुश है। हेल्प देने के बाद वो मेरी बुराई कर रहा है, तो जहां मेरा अल्लाह के साथ इतना कनेक्शन था वो डबल इतना हो जाता है कि ये जान रही है, ये समझ रही है, उसके बाद भी ये कहती है कि अल्लाह मुझे आपके साथ अच्छा कनेक्शन रखना है, आपके साथ प्यार बना के रखना है। तो उससे देखो अल्लाह कितना खुश होते हैं, उससे मेरा अल्लाह के साथ रिश्ता कितना बड़ा होता है। बस ये समझ लो कि ये जो हमारी लाइफ है ना, इसमें हमने अपनी लाइफ में प्यारी प्यारी यादें बना के जाना है। जैसे मैं व्लॉग बनाती हूँ ना कि हमने प्यारी यादें बनाना है, हमने वहां जाना है, प्यारी यादें बनाने, अपनी लाइफ को प्यारी यादें बना कर जाओ, ताकि जब हम अल्लाह पाक के पास पहुंच जाएं तो ये मेमोरी पीछे वाली भी देखते रहें कि यहाँ पे अच्छी याद, वहां पे अच्छी याद, यहाँ पे उसके साथ अच्छा किया था, दिल को सुकून मिला था, बदले में उसका दिल नहीं दुखाया था। अगर कोई गलत है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, अल्लाह पाक सबसे बड़ा हिसाब लेने वाले हैं। दुनिया मिल जाए प्लान करने के लिए, भले करती रहे, आपका अल्लाह देख रहा है। अल्लाह पाक ने तो ऐसे अपने हाथों पे पूरी दुनिया को लेके रखा हुआ है और इस तरह से देख रहे हैं। और अगर इस जगह पर प्लानिंग चल रही है और यहाँ पे ये बंदा बिल्कुल अनजान बैठा है, तो क्या अल्लाह उसकी प्लानिंग कामयाब होने देंगे? नहीं होने देंगे। तो बस इस चीज को छोड़ दो, ये प्लानिंग जैसे चल रही है ऐसे चलने दो, जिसका जो करना है करने दो। समझने की कोशिश करो आप सब, मैं समझती हूँ, आप सबको दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ। इसी तरह से आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे भाई जो हैं मेरे अब्बू की जगह पर हैं और आप उनको रिस्पेक्ट करो। बाकी भाभी भी बहुत अच्छी हैं,
उनके भी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए चैनल चलाया हुआ है, उनके लिए वीडियोस बनाती हैं। मुझे सबको रिस्पेक्ट देना है, बदले में मुझे मुझे मिलता है। मुझे ऐसा तो नहीं है कि गालियां देती हैं, पीठ पीछे मुझे नहीं पता क्या चलता है, कि मैं सुन भी लेती हूँ, अपने कानों से भी सुन लेती हूँ, तो मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना। आपको आपके अल्लाह के साथ कनेक्शन अच्छा बनाना है और अल्लाह के साथ जुड़ना है। मजीद कहती हूँ कि हर रिश्ते को रिस्पेक्ट दो, चाहे वो चाचू भी हैं, मैं चाचू के लिए बोल रही हूँ, मैं अपने भाई के लिए बोल रही हूँ, मैं अपनी भाभी के लिए बोल रही हूँ, यहाँ तक कि नदीम भाई भी बड़े हैं, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। आप रिस्पेक्ट करो, मिस्टेक हर किसी से होती हैं। बाबा रहे, दिलबर है, जहद भाई हैं, जितने भी रिश्ते हैं, मैं सबको रिस्पेक्ट कर रही हूँ। मैं फारूक भाई को भी बोल रही हूँ और बाकी भी जो भी आपस में लड़ाई झगड़ा जिसका भी है, मैं उनको भी ये कह रही हूँ कि प्लीज़ YouTube पे मत लाओ। हर किसी की फैमिली में ये सब चलता रहता है। एक दूसरे की बातें बताने से कुछ भी नहीं है। आप अपनी एक YouTube पे जो है ना, ऐसे खराब मेमोरी बना रहे हो। अच्छी मेमोरीज बनाओ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखो। देखो अल्लाह आपको बहुत देगा। छोटी मोटी बातों को एक साइड पे करो, अच्छे से हम करेंगे। भाई की बेटी की शादी है, अच्छे से करेंगे, खुशी से करेंगे। तो बस यही सारी कुछ बातें थी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।